झांसी 24 तास एक पाउल पुढे। आंगड़िया देखने जाएंगे तो डायमंड बाजार गिनो, सोना बाजार गिनो या ज्वेलरी मार्केट गिनो, इनका एक हाट है। इन्होंने जो विश्वास संपादन मार्केट के अंदर किया है, लोगों को लगता है कि भाई इनके थ्रू जो चीज हमारी जहाँ भेजने वहां जाएगी तो एकदम सेफ साइड जाएगी और सेफ साइड वापस आएगी। हाँ। तो लोगों को जो एक भरोसा इन आंगड़िया के ऊपर बैठा है, मतलब आंगड़िया वालों को 1 लाख क्या करोड़ क्या 10 करोड़ भी दे देंगे तो उनको भरोसा है कि ये इंसान हमारा एकदम व्यवहार बराबर। आंगड़िया की करीबन जितनी भी मार्केट के अंदर पेड़िया है, उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार इतने सालों से किया है तो लोगों को लगता है कि हम आंगड़िया के थ्रू कोई भी चीज कहीं भी भेजेंगे तो वो सही सलामत पहुंचेगी या वहां से सही सलामत वापस आएगी। नक्कीच, हा एकूण विश्वासावरचा सगळा चाललेला व्यवहार असतो। एकूणच जर या सगळ्यात जर विश्लेषणानं बोलायचं झालं, जास्त खोल बोलायचं झालं, तर त्यांच्यामधला नेमका संवाद चालतो कसा? मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने इतना बड़ा एक विश्वास संपादन किया है डायमंड मार्केट के अंदर या गोल्ड मार्केट ज्वेलरी मार्केट के अंदर। हम उसको कोई भी चीज देते तो वो हमको एक चीज कागज के ऊपर उनकी जो कंपनी का नाम होता है उनके ऊपर लिख के देते और साथ में इंश्योरेंस भी देते हैं। तो जब चीज वहां पहुंच जाती है तब समय वहां से फोन आता है सेफ साइड ये चीज मिल गई है। तो उनका ये जो व्यवहार लेके जाने का, लेके आने का, ऑफिस तक पहुंचाने का, मतलब हम जहाँ से चीज देते हैं वहाँ, मतलब जहाँ हम चाहते हैं वहाँ चीज ये लोग पहुँचाते हैं और ईमानदारी से पहुँचाते हैं, बड़ी नैतिकता से पहुँचाते हैं। और जो पूरा हमारा सील किया हुआ होता है, कंप्लीट ऐसे सील किया हुआ पूरा पहुँचता है, तो उनका जो व्यवहार है एकदम प्रामाणिक, ट्रस्ट और एकदम साफ, कोरा दिल का बोलते चोखा ऐसा। नक्कीच नक्कीच, हा सगळा प्रामाणिकपणाचा, विश्वासाचा, सचोटीचा व्यवहार असतो। पण आंगड्यांवर वेळोवेळी काळ्या पैशाचे व्यवहाराचेही आरोप झालेत, गंभीर आरोप झालेत, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मैं करीबन 22 साल से इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ। मैंने आज तक अभी ये नहीं सुना कि जो आंगड़े के अंदर जो पैसे जाते हैं कोई ब्लैक के होते हैं या कोई 2 नंबर के होते हैं या हवाला के होते हैं, हमने आज तक नहीं सुना। रहे होता तो जिस हिसाब से जो रेट कल गिरी, ऐसी रेट गिर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी विनती है कि ऐसे लोगों को बाहर लाए जो रियल में काम करते हैं और रियल में इस तरह से यदि बिजनेस को बदनाम करते हैं तो उनके ऊपर जो भी कार्यवाही होती एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट उनको आता है उनको करनी चाहिए। लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी ने ऐसा 2 नंबर का काम आंगड़े के हवाले के थ्रू किया हो। नक्कीच, काळ्या पैशाचा व्यवहार नसेल, पण या निमित्ताने एक धक्कादायक आरोप होतोय तो म्हणजे दहशतवादी लिंक असण्याची शक्यता। असं कधी घडतं का तुमच्या ऐकिवात काय? ये आरोप 100% गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने सालों से, 22 साल से मैं खुद इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आतंकवादी या किसी का भी पैसा इस आंगड़े के थ्रू गया। और जो आंगड़े वाले भी काम करने वाले लोग भी एकदम ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और सबके एक रिलेशन में टच में होते कि भाई ये आंगड़े वाले ये काम का है, ये आंगड़े वाले ये काम का है। क्योंकि लोग जो पैसा देते किसी को तो लोग उनकी भी पूरी इंक्वायरी निकालते हैं। और डायमंड वाले, गोल्ड वाले या जो मर्चेंट लोग हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा किसी को अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कॉन्टेक्ट हो या किसी को कोई ऐसी धमकी आई हो। तो मेरे हिसाब से ये आरोप 100% बेबुनियाद है। नक्कीच, एकूणच हे सगळं पाहिल्यानंतर एक गोष्ट मात्र महत्वाची आहे, नक्की ती म्हणजे आंगड्यांचा व्यवहार हा संपूर्णपणे विश्वास आणि सचोटीवर असतो। धन्यवाद हार्दिक जी आमच्याशी बोलल्याबद्दल। आपल्यासोबत हार्दिक हुंडिया होते, त्यांनी हे सगळं प्रकरण समजावून पाहिलं। खरं तर हवाला व्यवहार हा सरकारी अधिकाऱ्याला, संपूर्ण सिस्टीमला डोळ्यात धूळफेक करून केला जातो, पण या सगळ्यातही कुणीतरी एक सामील असल्याशिवाय हे सारं करणं केवळ अशक्य असतं, हेही तेवढंच खरं। आजच्या प्राईम वॉच मध्ये इथंच थांबूयात, पाहत राहा झी 24 तास एक पाऊल पुढे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।